चांचड़ा कॉलेज में विधायक लक्ष्मण सिंह के औचक निरीक्षण के दौरान विद्वान अतिथि शिक्षकों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए अपनी समस्याओं को लेकर विधायक सिंह को आवेदन दिया। इसी के साथ विद्वान अतिथि शिक्षकों ने ही मीडिया से बात करते हुए बताया कि मैं 15 से 20 साल से शिक्षा विभाग में अतिथि के रूप में काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक उनको परमानेंट नहीं किया गया। कांग्रेस सरकार ने अपने वचन पत्र में कहा था कि सरकार बनने के बाद अतिथि शिक्षकों को परमानेंट किया जाएगा, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर यह कब किया जाएगा। वर्तमान सरकार के घोषणा पत्र में था तो करना चाहिए, वो जितना शीघ्र से शीघ्र करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें हैं अतिथि विद्वानों को इस नई सरकार से, और सरकार अपने वचन पत्र पे खड़े उतरे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। सर लगभग आप कितने वर्षों से अतिथि विद्वान से काम कर रहे हैं? हम और हमारे साथी 17 से 20 साल हो गए हैं ये सेवा से जुड़े हुए हैं, और आज स्थिति ये हो गई है कि हम लोग समाज की जो एक सामान्य धारा होना चाहिए उससे भी बहुत पीछे चले गए। इतनी सेवाएं देने के बावजूद भी हम कोई पिछली सरकार ने भी अभी तक हम लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचा। सरकार से यही निवेदन करती हूँ कि हमारे अतिथि विद्वानों का जो वचन पत्र में नियमितीकरण की बात की गई है उसको पूरा करने की कृपा करें। मैं 2-4-5 साल में हो गई हमको अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करते हुए। हमारा सभी गेस्ट फैकल्टी का एक ही निवेदन है कि जो कांग्रेस का वचन पत्र है उसमें नियमितीकरण का जो वादा किया उसको अपने पूरा किया जाए, और समस्त गेस्ट फैकल्टी की ओर से उनको इस क्षेत्र में जो ख्याति प्राप्त हुई है उसका सहयोग गेस्ट फैकल्टी को प्राप्त होगा।